केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में नव स्थापित नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर जारी किया। शाह ने यहां पूसा परिसर में आयोजित संगोष्ठी में एनसीईएल सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में 2027 से पहले 2 करोड़ से अधिक किसान जैविक खेती से जुड़ जाएंगे। और ऐसा मौसम अगर कोई एक देश में उपलब्ध है तो वो केवल और केवल भारत है, जहां 4 क्रॉप किए जा सकते। अगर ये 4 क्रॉप में से 1 क्रॉप भी बायोफ्यूल के प्रोड्यूस के लिए किसान चेंज कर ले तो हम भारत की बायोफ्यूल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर विश्व में भी बायोफ्यूल का निर्यात कर सकते हैं। मैं कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादों की जीडीपी में योगदान 15% है, 15% है और आबादी लगभग लगभग 60% है। कोई देश 60% आबादी को इग्नोर कर अपने अर्थतंत्र को मजबूत नहीं कर सकता। जिस अर्थतंत्र में देश की 60% आबादी की जगह न हो, वो अर्थतंत्र अपने आप में कभी सफल भी नहीं हो सकता। तो हमें आगे भी बढ़ना है, जीडीपी भी बढ़ाना है और ये 60% लोगों की समृद्धि बढ़ाकर उनको रोजगार भी देना है। तो इसका एकमात्र काम रास्ता है कोऑपरेटिव को मजबूत करना। और ये हमारा जो राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड है, वो कोऑपरेटिव के समग्र ढांचे को एक नई मजबूती देने का भी काम करेगा। इस संगोष्ठी में निर्यात बाजारों को जोड़ने के लिए सहकारी समितियों को एक साथ लाने, भारतीय कृषि निर्यात की क्षमता तथा सहकारी समितियों के लिए अवसरों सहित कई मुद्दों पर चर्चा जारी है। इसमें बड़ी संख्या में सहकारी समितियों को शामिल करके कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ साथ हथकरघा तथा हस्तशिल्प वस्तुओं को भी शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक अपने राजस्व को करीब 2000 करोड़ 160 करोड़ रुपये के मौजूदा स्तर से 2 गुना करना है।